नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शादी का मंडप उस समय युद्ध का मैदान बन गया जब एक दुल्हन के दो दावेदार आ गए। बीते सोमवार को करेरा क्षेत्र स्थित मंदिर में शादी का आयोजन चल रहा था। पूरा माहौल शादी के रंग में लगा हुआ था। इस बीच कुछ लोग वहां आकर लड़की को अपनी बहू और भाभी बताने लगे। इनकी बातें सुनकर सभी दंग रह गए। दुल्हन पर अपना दावा ठोकने वाले लोग शादी रोकने की मांग पर अड़ गए। इसी बात पर वहां मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बीच दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए और लड़की की विदाई हुई। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के डोंगरी के रहने वाले अखिलेश परिहार का गांव के ही एक नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने साल भर पहले लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। इसके बाद लड़की के परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी। लड़का लड़की जब घर लौटे तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की नाबालिग है इसीलिए युवक पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया। लड़के का नाम अखिलेश बताया जा रहा है जो पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। इसी बीच लड़की की शादी गुपचुप तरीके से किसी दूसरे लड़के से तय कर दी गई। अखिलेश के परिजनों को जब इस बात की खबर लगी तो वो मौके पर पहुंच गए और शादी रुकवाने की मांग करने लगे। उनकी बातें सुनकर दुल्हन के भाई और अखिलेश के भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर के बाहर जमकर मारपीट होने लगी। शादी तो संपन्न हो गई लेकिन मारपीट खत्म नहीं हुई। झगड़े के बीच ही दुल्हन पति के साथ कार में सवार होकर विदा हो गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।